अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं। लॉर्ड महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दतवल नालागढ़, मॉडर्न वेल इक्विप्ड ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी लिथोट्रिप्सी एंड फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायने सर्जरी एंड अदर सर्जरी ऑल्सो। लॉर्ड महावीर नर्सिंग कॉलेज और हॉस्पिटल की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल सबके लिए खुशियां भरा हो और मैं सभी से ये अपील करती हूँ, स्पेशली नवयुवकों से, कि आने वाले साल में ये प्रण लें कि हम नशे से दूर रहेंगे और अपने पेरेंट्स को कभी भी नीचा होने का मौका नहीं दिखाएंगे। हमारा आज 2018 का अंतिम दिवस चल रहा है, कल से नए साल की शुरुआत होगी। इस नव वर्ष के आगमन पर, 2019 के आगमन पर, मैं अपने इलाका वासियों को, अपने पंचायत वासियों को और अपने देश के सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि सभी के लिए ये नव वर्ष मंगलमय हो और सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। नए साल के जश्न के लिए शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने लग गई है। शिमला जिला प्रशासन ने 31 दिसंबर को कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कमर कस ली है। शिमला को 7 जोन में बांटा गया है। शिमला में 9 पार्किंग है जिनमें 3000 गाड़ियां खड़ी हो सकती है। पार्किंग में डिस्प्ले रहेगा, उसमें पता चल जाएगा कि कितनी गाड़ियों के लिए पार्किंग खाली है। ट्रैवलर जैसी बड़ी गाड़ियां टूटीकंडी में खड़ी की जाएगी। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने बताया कि टूटीकंडी पार्किंग में निजी वाहन खड़े करने के बाद टूरिस्ट को रात 10 बजे तक HRTC की गाड़ियों में शिमला पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा बाईपास और तारा हाल स्कूल में भी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गाड़ियां खड़ी करने की जो जगह है उसमें टूटीकंडी की जो पार्किंग बनी है वो भी उसमें सम्मिलित है। तो जितनी गाड़ियां जो है हमारी खड़ी हो जाएंगी शहर की पार्किंग्स में, जब वो फुल हो जाएंगी तो जितने टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनकी गाड़ियां जो हैं टूटीकंडी जो पार्किंग है जिसमें 700-800 गाड़ियां जो हैं लग सकती हैं, उनको वहीं पर जो है पार्क किया जाएगा। वहां से HRTC की जो टैक्सीज, टेम्पो ट्रैवलर और बसेस जो हैं ये हर 15 मिनट बाद रात को 10 बजे तक जो है चलाई जाएंगी। जो पर्यटक हैं उनको CTO पे ड्रॉप किया जाएगा, विक्ट्री टनल पे और ओल्ड ISPT पे उनको वहाँ पे जो है ड्रॉप किया जाएगा। जब टूटीकंडी की भी पार्किंग पूरी तरह जो है भर जाएगी तो गाड़ियाँ चौड़ा मैदान, AG चौक से लेके कैनेडी चौक और जो चौड़ा मैदान है वहाँ से बालूगंज तक जो है गाड़ियों को, जो पर्यटकों की गाड़ियाँ हैं वहाँ तक जो है खड़ी की जाएगी। इसी प्रकार जो राजभवन से हिमफेड की जो रोड है, अगर बहुत ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ आती हैं पर्यटकों की तो उनको जो है वहाँ उस ओर भी जो है खड़ा कर दिया जाएगा। जो शिमला शहर है इसको 7 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और जितने ये सेक्टर्स हैं उनमें एक एक सेक्टर मजिस्ट्रेट को जो है तैनात किया गया है। साथ ही साथ उसमें पुलिस के जो DSPs हैं उनकी भी वहाँ तैनाती की गई है। जो इनके मोबाइल नंबर्स हैं वो डिस्प्ले किए जाएंगे लिफ्ट पे, CTO पे और जो टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है वहाँ पर इनको डिस्प्ले किया जाएगा। किसी भी प्रकार की जो पर्यटक को या किसी स्थानीय जो लोग हैं इनको दिक्कत आती है तो सीधा उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ एक सेंट्रल कंट्रोल रूम का जो नंबर है वो भी डिस्प्ले किया गया है और सबकी जानकारी के लिए वो नंबर है 1077। किसी भी पर्यटक को या स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं उनको इस दौरान कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर सीधे वो संपर्क कर सकते हैं। और 100 जो नंबर है पुलिस का जो कंट्रोल रूम है उस पर भी जो है संपर्क साधा जा सकता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो पर्यटक आते हैं इनकी काफ़ी आवाजाही रहती है कुफरी की तरफ, तो कुफरी में भी जो है जो पार्किंग्स हैं वहाँ पे उनका जो है इंतजाम किया गया है और जो सड़क चाहल को जाती है कुफरी पे उसको भी जो है पार्किंग जोन के तौर पे जो है खोल दिया गया है। तो जो पर्यटक वहाँ जा रहे हैं वो वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।